हेलो वन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ सोहन अनप्लग्ड। जिस तरह आप देखते आ रहे हैं, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिफरेंट इश्यूज फ्रॉम एनवायरनमेंट टू डेटा प्रोटेक्शन टू जेंडर वायलेंस, और इसके साथ साथ हमने मेंटल हेल्थ लिटरेचर पे काफी काम किया है। सो टुडेज एपिसोड वी आर एंटरिंग अ न्यू टेरिटरी एंड वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द इकोनॉमिक एंड फॉरेन पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान और जो उनके इकोनॉमिक रिलेशन है, और उसमें आई एम रियली ग्लैड दैट आई हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद मी। आई हैव ज़ून अहमद खान विद मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू द शो। Thank you for having me, Hamad. So first of all, again, मैं दोबारा आपको शुक्रिया करूंगा। She is currently in China, so वहाँ पे time difference भी है, but she has been very kind to us, उन्होंने हमें time दिया है, and we are recording this. She is a Pakistani researcher and a journalist based in Beijing since 2015. और इसके साथ साथ इनका जो detailed description है, profile है, वो आपको नजर आ जाएगा इनके description के अंदर, but she is currently a research fellow at Center for China and Globalization, that is CCG, and she is currently pursuing her PhD in politics affiliated with the Belt and Road Strategy Institute, Tsinghua University. And that is what we are going to talk about today, कि एक जो एक उर्दू में कहते हैं हवा बना हुआ है कि पाकिस्तान पे चाइना का कब्जा होने वाला है, we are again being colonized, और पाकिस्तान का जो है वो फ्यूचर, आइदर यू मीट पीपल जो कहते हैं कि दिस इज इट, दिस इज द गेम, कहते हैं गेम चेंजर, पाकिस्तान होपफुली विल बी टुवर्ड्स अ प्रोग्रेसिव साइड पे जाएगा। दूसरा ये कि नहीं जी, चाइना ने जो है हमें भी वो अगेन हमारे उर्दू लिटरेचर में तसर्रुफ कर देना है और हमारी जो शनाख्त है वो खत्म हो जाएगी। सो आई थिंक यहीं से लेट्स स्टार्ट विद बेसिक्स। पहली बात जो एक ये है कि चाइना का ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी प्लान जिसको आप कहते हैं वो है क्या? बिकॉज वी ऑफन हियर अबाउट वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव एंड दैट इज एट अ ग्लोबल लेवल, सो लेट्स इंट्रोड्यूस टू दैट। ओके, सो हमाद, एक्सेलेंट इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक। एंड मैं खुद यहाँ चाइना में मतलब 6.5 सालों से हुआ, and from the very start I made the decision to come in 2014, aur fir aapko yaad hai April 2015 mein CPEC announce hua tha, to mujhe Shanghai Cooperation Organization ka to pata tha, China ki development ka thoda bahut pata tha, but jo belt and road tha, one belt one road aur belt and road initiative isko kehte hain, ye exactly kya hai wo CPEC ki jab initial investments announce hui thi uske baad se that's what I started working on more. To in a nutshell, जो चाइना का, क्योंकि माय फोकस इज मेनली चाइनीज फॉरेन पॉलिसी, अगर मैं लोगों को बेसिक टर्म्स में बताना चाहूँ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है, तो बेसिकली इट टेक्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द एंशिएंट सिल्क रोड, कि जो आपकी रीजन है और ग्लोबली भी जो हमारे गोल्स हैं कि आप कनेक्टिविटी बढ़ाएं, आप इकोनॉमी के लिए बेहतर इकोनॉमीज के लिए एवेन्यूज बिल्ड करें, दुनिया में जो इश्यूज चल रहे थे पाकिस्तान समेत कई ममालिक के, कि जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस थे दैट वाज सपोज्ड टू हेल्प कंट्रीज बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, दे वर नॉट वर्किंग, देयर वाज अ बिग गैप। और ये गैप सिर्फ चाइना का इस पे मतलब नहीं है स्टडी, ये दुनिया भर में जो भी आप IMF वगैरह से बात करें, AIIB है, जितने भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड मैकेनिज्म दुनिया के लेवल पे हैं, दे अंडरस्टैंड कि देयर इज अ बिग गैप इन द नीड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज स्पेशली एंड वेयर दे करंटली स्टैंड। तो सबसे पहले तो बेल्ट एंड रोड जब स्टार्ट हुआ तो फेज वन के प्रोजेक्ट्स का मकसद ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं और जो हमारे पार्टनर ममालिक होंगे उनके साथ बैठ के बायलैटरल कंसेंसस के थ्रू कि उनकी क्या जरूरियात हैं, हम क्या इसमें से डिलीवर कर सकते हैं, उस पर फिर जैसा पाकिस्तान में JCC मैकेनिज्म है बिटवीन द प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड द नेशनल डेवलपमेंट रिफॉर्म कमीशन NDRC ऑफ चाइना, ये दोनों मिलके एक बड़े पैमाने पे डिसाइड करें कि इन प्रोजेक्ट्स को फिर डिलीवर किस तरह करना है। तो उसमें हमने देखा पाकिस्तान में फेज वन में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्वादर पोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ये जरूरियात थी। और यही जो बाकी ममालिक हैं, जो रीजन्स हैं, अभी जिस तरह चाइना लाओ रेलवे इन्होंने बिल्ड की है, हाई स्पीड रेलवे बिटवीन यूनान एंड लाओ, विच इज अ लैंड लॉक कंट्री इन दैट रीजन, तो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ बेल्ट एंड रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर रीजनल मैकेनिजम्स इसमें हैं, फॉर एग्जाम्पल द सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जो के रिलेटिवली लेस डेवलप्ड हैं, उनके साथ एक फ्रेमवर्क बनाया गया। फिर अफ्रीकन कंट्रीज में भी चाइना की ट्रेडिशनली काफी कोऑपरेशन है, अब उस पर फोकैक है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन, जो कि 20 सालों से है, लेकिन अब बेल्ट एंड रोड के अंदर चाइना का जो एक ओवरऑल आइडिया है कि इस इनिशिएटिव के थ्रू हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स हैं, गैप्स हैं, उनको जिस हद तक हो सके मीट करें विद कंसेंसस, बायलैटरल कंसेंसस, वी हैव मल्टीलैटरल लाइक फोकैक एज वेल मैकेनिज्म्स,
एंड आहिस्ता आहिस्ता इसमें चाइना का अपना डेवलपमेंट एक्सपीरियंस समझने की भी जरूरत है, क्योंकि ओवर 40 इयर्स चाइना ने जो किया था कि आप 5 साल का प्लान बनाते हैं, एक लॉन्ग टर्म आइडिया है, 5 साल का प्लान बनाते हैं, फिर अगले 5 साल का बनाते हैं और उसमें चेंजेस होते हैं. दे ऑलवेज थिंक लेट्स स्टार्ट करें. कोई परफेक्ट स्टार्ट नहीं है, कोई परफेक्ट वे फॉरवर्ड नहीं है. स्टार्ट करते हैं और फिर इसको दोबारा से रिव्यू करते हैं. तो बेल्ट एंड रोड में भी जिस तरह सीपैक में हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट डायमेंशन ऐड की गई हैं. सोशियो इकोनॉमिक साइड आ गई है, हेल्थ इनिशिएटिव्स, एजुकेशन, एकेडेमिक कोऑपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, मीडिया कोऑपरेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. कि हम कैसे अब आप सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके तो कुछ नहीं होगा. दैट इज द बेसिस फॉर बेटर इकोनॉमी, इट्स द प्रीरिक्विजिट. लेकिन उसके साथ अगर एजुकेशन नहीं होगी, वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, अगर चाइना में पाकिस्तान के बारे में खबरें वेस्टर्न मीडिया से या कहीं बाहर से आ रही है जो कि पाकिस्तानियों का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और चाइना के बारे में भी यही हो रहा है, तो हम आपस में एक दूसरे से बातचीत करें और एक दूसरे को बेहतर समझें. सो दिस इज हाउ द बेल्ट एंड रोड आइडिया हैज आल्सो इवॉल्व्ड. सो इन अ नटशेल, इफ आई हैव टू डिस्क्राइब, इट इज अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि हमारी क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उसको मिलकर हम कैसे एड्रेस कर सकते हैं. दिस इज द कोर आइडिया. और दूसरी बात जो समझने की है वो पाकिस्तान में एकदम से ना ये एक तहरीक चल, मतलब एक आइडिया आ गया था कि बेल्ट एंड रोड ही पाकिस्तान को. ये बात सही है कि 2013 में जब पहली दफा इसका आइडिया डिस्कस हुआ और 2015 में जब प्रोजेक्ट है, तो ये हकीकत है कि तब पाकिस्तान में हमें भी पता है क्या हालात है. वी वर बिकमिंग मोर अवेयर. फॉर मी पर्सनली, मतलब जो वो स्टेज कि आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके अपने मुल्क के हालात देखते हैं, वो एक और ही डायरेक्शन में जा रहे थे. तो हमारी 12-12, 14-14 घंटे जो लोड शेडिंग हो रही थी और कई इलाकों में इससे भी ज्यादा इंडस्ट्रियां निकल गई, वो जो मसाइल थे वो बेल्ट एंड रोड सीपैक की वजह से एकदम से हमने उसमें बेहतरी और चेंजेस देखे और परसेप्शन पाकिस्तान की किसी हद तक चेंज भी हुई. दैट वॉज डेफिनेटली अ वेरी डिसाइसिव मोमेंट. बट एट द सेम टाइम चाइना में ये चीज बहुत क्लियर है कि सीपैक जो है वो आपके डोमेस्टिक प्लान, आपकी जो डोमेस्टिक एक अपना आइडिया है जो आपने अपने मुल्क की डेवलपमेंट के लिए सोचा है, ये उसको सपोर्ट कर सकता है, ये उसको स्पीयर हेड नहीं करने के लिए. और ये जब 2000 आई कोट दिस न्यूज क्योंकि ये भी हुआ था, 2-3 इश्यूज. एक तो इश्यू ये हुआ था कि पाकिस्तान में जब एकदम से कोई रिपोर्ट आती थी किसी प्रोजेक्ट के बारे में कि ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो तब चाइनीज कुछ रिएक्ट नहीं करते थे, क्योंकि इधर चाइना में कॉन्सेप्ट ये है, इधर रह के मुझे इतनी मतलब इनकी सोच की समझ आई आम लोगों में भी और हुकूमत में भी, कि आप काम करते रहो, इट विल शो. लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रहते कि इट डजंट शो, यू हैव टू रिस्पॉन्ड. तो एक नए कल्चर के साथ अडेप्ट करना took some time. I think that that has been a process and we are at a better stage to some extent. Secondly, Pakistan mein ek report aa gayi thi China monopolize karna chahta hai CPEC ko. Aur China ka uska official response aaya tha ki bhai nahi, ye jaisa maine kaha ki ye aap isko mutually hum determine kar rahe hain, aap determine kar rahe hain aapki kya zaruriyat hain, and we see uska negotiation hoti hai. Koi business deal perfect nahi hoti, but the only lasting way, we are neighbors, we have a good relationship. We have a long way to go. आप अभी एक दूसरे का एकदम फायदा, वो स्कैम करेंगे तो कल को क्या फ्यूचर रह जाएगा. चाइना भी तो इसी खित्ते का हिस्सा है. तो इसमें जरूरी है कि हम मिलकर डिसाइड करें, लेकिन आप ओनरशिप लें. और अभी भी यही एक है कि जो मुल्क हैं, जो पार्टनर कंट्रीज हैं, एलाइज कोई नहीं है चाइना के, जो पार्टनर कंट्रीज हैं उनकी ओनरशिप है और मिलकर डिलीवर करने की बात करें. सो दे वेरी क्लियर अबाउट दिस कि हमने मोनोपोलाइज नहीं करना. आए बल्कि अच्छा है कि अगर ये इन्वेस्टमेंट हुई है इसको यूटिलाइज करना है, तो ये यूटिलाइज अब चाइना ही बैठ के यूटिलाइज करने पे भी. तो फेज टू जो कि अब है यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इट्स अबाउट अट्रैक्टिंग इन्वेस्टर्स ग्लोबली. आई थिंक आपको काफी डिटेल में थैंक यू, आपने इतना कर दिया और मेरे शुरू में खाली 2-3 सवाल वैसे ही कवर हो गए हैं, बट दैट्स इट. अगले क्या थे, मेबी देयर इज समथिंग आई वांट टू ऐड. लेकिन उसमें जो एक चीज मुझे बस स्ट्राइक कर रही है, उसमें एक तो ऑब्वियसली आपने कहा कि जो फ्लैगशिप और जो प्रोजेक्ट्स हैं इनकी जो ओनरशिप है, और टू बी ऑनेस्ट जो ऑन्स है कि आपने उसको आगे लेके चलना है, डेवलप करना है अपने मुल्क के जर्नली इंफ्रास्ट्रक्चर हालात सिस्टम्स को बेहतर करना है, वो स्टिल हमारी जिम्मेदारी और हमारा फर्ज है. रादर देन कि बाहर से आके चाइना किसी मुल्क में भी ये नहीं कह रहा कि हम आपके ठीक करेंगे, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, हम आपको असिस्ट कर रहे हैं, हम अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बट इन दी एंड इट कम्स डाउन टू अस कि इंसान के बच्चे बने और आगे लेके चले मुल्क को. देखिए मैं इस पे एक चीज ऐड करूंगी कि
कई ईस्ट एशियन कंट्रीज में, मतलब आप कुछ ट्राई करते हो, इट डजंट वर्क, समथिंग एल्स वर्क्स. इन द एंड उस मुल्क ने, हर मुल्क ने अपने लिए जो एक फॉर्मूला काम कर सकता है वो हो सकता है पहली ट्राई में ना हो, दूसरी ट्राई में ना हो. अब यह कि हाँ, एक बहुत बड़ा गैप था, एक बहुत बड़ा इशू था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बिजली नहीं है. हम डाउनवर्ड्स जा रहे थे ऐसी चीजों में, जो पाकिस्तान वॉज अ वेरी वेल डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री टूवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रीवियस सेंचुरी. और फिर वो अर्ली 2000s, और इसमें काफी इशूज हमने फेस किए, और उसकी वजह से ये एक गैप था. तो दिस वॉज द फर्स्ट थिंग टू एड्रेस. एंड इन एनी केस, मतलब कोशिश करें, और चाइना की इकोनॉमिक, ऑब्वियसली उनको इकोनॉमिक भी फायदा होगा कि अगर बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस पूरे रीजन में, इसमें हम सेंट्रल एशिया की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, तो उनके लिए भी एक रास्ता खुलेगा. पाकिस्तान, चाइना की जो वेस्टर्न डेवलपमेंट है, इट इज समथिंग दैट दे हैव बीन वर्किंग ऑन. एक नेचुरली गैप बन गया था, बिकॉज ईस्ट वॉज हैड एक्सेस टू द ओशन. तो बहुत अभी भी फर्क है, अभी भी चाइना के हिस्से, एक हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट, उसका मजाक एक तरह से बना हुआ है कि नॉर्थ ईस्ट है वो, कि मतलब वो कोई मॉडल ही अभी तक वहां चला, तो दे आर स्टिल फिगरिंग थिंग्स आउट इन देयर ओन कंट्री. तो लेकिन जहां तक वेस्टर्न रीजन्स की डेवलपमेंट का सवाल है, अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी के रास्ते खुलते हैं, तो फिर उनको भी ऑब्वियसली उनको भी फायदा है. बट जनरली मुझे जो एक चीज नजर आती रही है पाकिस्तान में, ये होता है कि अक्सर हमें जो एड मिल रही है या हमें जो पहले मिलते रहे हैं, प्रोजेक्ट मिलते रहे हैं, वो ज्यादा इसमें होता है कि बिकॉज वी आर टर्निंग इनटू अ सर्विस ओरिएंटेड इंडस्ट्री, तो राधर देन कि हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे फॉर द लॉन्ग रन, जहां पे हमें फायदा हो रहा होता, लाइक हमने जितना देखा डैम्स में हम लोग लैग करते रहे या रोड्स की बात हो रही थी, तो ज्यादातर जो प्रोजेक्ट्स आ रहे थे वो कंजम्पशन बेस्ड थे. लेकिन जो मुझे सीपैक नजर आते हैं, वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लॉन्ग लास्टिंग है, जिससे आपकी एनर्जी नीड्स बेहतर हो रही हैं, जिससे आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है. सो दीज आर द थिंग्स दैट दे आर हियर टू स्टे. सो इट्स नॉट जस्ट कि चाइना आया और चाइना ने अपना एक रूट बना लिया, इट्स समथिंग जो कि पाकिस्तान के लोग भी फॉर मेनी मेनी डेकेड्स आगे यूज करेंगे. सो दिस इज अ डिफरेंस जो मुझे लगता है. सो इज दैट द केस? दैट इज डेफिनेटली द केस. अभी जिस तरह मतलब ग्वादर में भी जनरली आप चाइना के बाकी ममालिक में चले प्रोजेक्ट देखते हैं, इट्स लॉन्ग टर्म. आप इनकी अपनी डेवलपमेंट और सक्सेस इज लॉन्ग टर्म, और इनकी अपनी डेवलपमेंट एंड सक्सेस इज बेस्ड ऑन मेनी डिफरेंट स्मॉल, मतलब कई गलतियां हुई, उसमें से सीखा, फिर आप करें. शेंजन की जो एग्जाम्पल देते हैं कि अब ग्वादर एकदम शेंजन बन जाएगा, उसमें डेकेड्स लगी, और पूरे चाइना की डेवलपमेंट में भी डेकेड्स लगी हैं. तो किसी भी मुल्क में आप अगर लॉन्ग लास्टिंग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग डेवलपमेंट की बात करते हैं, देन इट इज अ प्रोसेस. एंड आई वुड से लाइक फॉर चाइना इन जनरल, इट्स अबाउट कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शन, कॉन्स्टेंट करेक्शन. उनको नहीं लगता कि अभी हम बैठ के अगले 10 सालों को प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और अब की दुनिया तो बहुत फास्ट पेस्ड है. तो उसमें यही है कि आप किसी हद तक, हाँ, कुछ फॉर्मूलाज हैं, कुछ आइडिया है कि ये काम करता है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी एग्जैक्ट यूटिलाइजेशन कैसी होगी, कौन सा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बेहतर चलेगा, उससे हम क्या सीख पाएंगे बाकी जगहों पे, दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू बी सेंसिटिव टू, के वी हैव टू कॉन्स्टेंटली परसीव के व्हाट्स वर्किंग एंड व्हाट्स नॉट. और बिल्कुल जैसे लॉन्ग लास्टिंग, और इसमें हमारे एक और भी चीज है कि हमारे जो खित्ते में कई इश्यूज हैं, और हम देखते हैं कि जिस तरह बेरोजगारी, गुर्बत और लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ इशू, मतलब हेल्थ की फैसिलिटीज ही नहीं है लोगों में, जब एक नाखुशी, बेबसी, एक फीलिंग ऑफ यू नो नॉट बीइंग एंगेज्ड और इन्वॉल्व, तो एक तो दैट्स वेरी बैड फॉर योर कंट्री. अभी हमारे मुल्क में मतलब जो हेल्थ इश्यूज इतने हैं यंग लोगों में, उनकी वी आर नॉट बीइंग एबल टू इन्वेस्ट इन सच अ प्रेशियस अपॉर्चुनिटी. पाकिस्तान इज वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली द यंगेस्ट इन आवर रीजन. तो ये जो आपका एसेट बन सकते हैं, आप हम उनमें इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे, तो कोई तो सोल्यूशन चाहिए ना. और दूसरी जो चीज है कि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारे बाकी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, इसको थ्री इविल फोर्सेस कहते हैं, कि लोग इस तरह के ससेप्टेबल भी होते हैं. तो बहुत ज्यादा मसलों का हल ये है कि आप लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करें, आप उनकी नीड्स को एड्रेस करें. लोगों की नीड्स क्या होती हैं, यही ना कि बेहतर, मेनली तो ये है ना कि दे शुड फील सेफ, दे शुड हैव अपॉर्चुनिटीज, दे शुड बी एजुकेटेड, दे शुड बी लिसन्ड टू. If there is a problem with our development, हमें उसको बैठ के हल करना है, और वो जो solutions है वो हमें अपने आप को study करके ही पता चलेंगे, उन लोगों को सुन के, उनको समझ के. So this is something that needs to be, we need to find a long term plan.
और क्योंकि बिल्कुल जिस तरह हमारे मुल्क में कई मुल्कों में कि हर 5 साल बाद मतलब जब नई गवर्नमेंट आती है तो कई बेसिक्स जो होती हैं उस पे भी हम रीशफल करते हैं. तो आई थिंक इन अ सेंस यू नो दिस इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी एंड आई देर इज कंसेंसस अक्रॉस द बोर्ड इन पाकिस्तान विच इज पॉजिटिव कि जो बेसिक चैलेंजेस डेवलपमेंटल चैलेंजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट्स हैं हमने एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना है ये लॉन्ग टर्म चीजें हैं इनको हम बार बार क्वेश्चन नहीं कर सकते. लेट्स बी सेंसिटिव लेट्स बी ओपन टू इम्प्रूविंग दैम बट लेट्स मेक श्योर दैट वी आर कंसिस्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स द एंड दैट इज गोइंग टू बेनिफिट आवर लॉन्ग टर्म plans and basically improvement as a nation. अच्छा इसी पॉइंट पे जो है ना आई हैव टू आस्क समथिंग के चाइना की रीसेंट अगर आप देखें 1949 रेवोल्यूशन के बाद यू नो स्टार्ट होता है इनका जो रीसेंट फिनोमेना सारा है एंड इट्स अ कंट्री ऑफ मोर देन 1 बिलियन पीपल नाउ सो 1.4 बिलियन या सो अब वहां पे रह रहे हो आपको 5-6 साल हो गए हैं व्हाट आर सम ऑफ योर इंटरेस्टिंग लर्निंग अबाउट के इन्होंने अपनी पॉपुलेशन वर्कफोर्स मोटिवेशन बेसिक नीड्स ये सारी जो डेवलपमेंट होते हैं आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक टर्म्स बट एक सोसाइटी इवॉल्व करती है एक आइडियोलॉजी इवॉल्व करती है एक थॉट प्रोसेस इवॉल्व करता है तो क्या आपके अब तक इंटरेस्टिंग इनसाइट्स हैं चाइना के इतना बड़ा टॉपिक है मैं इसमें इतनी इमर्स सो आई ट्राई बिकॉज़ ये बहुत बड़ा टॉपिक है बट आई गिव यू सम इनसाइट कि मेरे लिए मतलब चाइना आने का भी एक मकसद ये था कि दे हैव डिलीवर्ड There is no doubt कि चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया एंड इसमें what is there to learn? और फिर ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि for me and for many people global south ये जो एक unilateralism किस्म का मतलब इस निजाम ने लोगों को बहुत फायदा तो नहीं बहुत ज्यादा नुकसान और हमारे मुल्क में हमने कितना नुकसान उठाया है कुछ ऐसी policies का तो अगर एक shift नजर आ रहा है दुनिया में और उसमें चाइना बहुत prominent है हमारा neighbor भी है तो we are connected we have lasting I would say concerns, mutual concerns. So for me to come to China was also just to understand what is this, you know, what is this perspective? How do they approach different issues? Mm-hmm. How are they able to do it? So, and now like increasingly I've realized ke ek to they, let me try to, because abhi this year, for example, is the CPC's 100th anniversary. So usme bhi, the Communist Party of China. So usme bhi bahut, I was able to travel around, meet people. Logon mein, kyunki unhone bahut consistently apni zindagiyon mein behtari dekhi hai. China ke jo log hain, ye bahut bolte openly. The world is their oyster. They're able to travel, see everything. Ye wo wala China nahi jo log samajhte hain, jo ab Eastern European log bhi kehte hain ki hame lagta hai ye communism, to hum jab China aate hain, to ye to bilkul hi kuch aur hai. They're open. They want to engage. They want to travel. They want to learn. Overall, ye ek posture hai logon ka. Aur log khush hain. आप छोटे छोटे मतलब villages में जाएं मैं ऐसी communities में गई हूँ they just came out of poverty वो लोग एक तो they've worked hard ऐसे नहीं है कि वो government ही बैठ के इनको मतलब जाबी की तरह घुमा रही है मुल्क को उनकी policies are receptive to what the people want and people are constantly seeking कि हम step by step बेहतर हों that's it one step at a time one step at a time one step at a time और इसकी एक वजह ये भी है कि एक आम शख्स जो मतलब एक गांव में रह रहा है वो जब अपनी बात करता है तो वो एक बहुत हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से बात करता है जो हिस्ट्री है थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ हिस्ट्री वो इन लोगों के अंदर मतलब दे अंडरस्टैंड देमसेल्व्स एज पार्ट ऑफ दिस कंटिन्यूम सो इन अ सेंस वन ऑफ द आइडियाज आई अंडरस्टूड वाज कि इन लोगों के लिए मतलब ऐसी चलते रहे हैं यू नो लाइक वी एवरीवन हैज हाइज एंड लोस हर मुल्क पे अच्छा बताता है मुश्किलात आती हैं लेकिन की ये कि आप हर वक्त कोशिश करते रहें एक ये इनका पोस्चर है फिर इसके अलावा मतलब आई वुड से कि चाइना में दे हैव हैड अब जब अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो ये भी कहते हैं कि यू नो हमारे मुल्क में जो सबसे फेमस सबसे सक्सेसफुल कैपिटल्स थे 1000 साल पहले 500 साल पहले व्हाटएवर उनका की ये था कि वो बहुत ग्लोबल थे आप किसी चाइनीज म्यूजियम में जाते हैं तो वो दिखाते हैं कि उस जमाने में उस कैपिटल की जो उस किंगडम का कैपिटल था उसकी 10% पॉपुलेशन वो फ्रॉम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज region sorry from european you know the reason that they were successful was because it was very global ke jab mil ke log different ideas ke log ikatthe hote hain trade hota hai commerce hota hai ideas exchange hote hain that is the key to human progress and this is something increasingly
people are studying this and understanding this when they go to museums. This is what is what, you know, the people who are showing you the museum will also say, dekhe, you know, tab humne ye wala exchange bhi kiya tha. To wo jo Silk Road ki ek spirit hai, wo inme abhi bhi jaagi bhi hai. And uske alawa, I don't know, there's so much. But abhi jis ka democracy forum hai China mein. So there's this idea ke China mein ek term hai Mingzu, which means rule of the people, you know. Ab jab democracy Greek term bhi dekhte hain, to it's about people, you know, like ruled by the people. So jab China mein ab isko translate as democracy kiya jata hai, is pe Chinese scholars ki badi debate hai, kehte hain democracy, jo American democracy hai, ye to bilkul hi Mingzu to ye hai, you know, zabardast hai aur ye wali. So they sometimes, kuch scholars kehte hain ki ye translation nahi theek, lekin agar aap democracy ko as uski essence mein jaye, aur phir ye dekhen ki China mein ordinary people are voting on that level, they are constantly being engaged, unki feedback li jati hai, unse poochha jata hai, what do you want? Aur phir government ke KPIs hote hain. Ye nahi hai ki wo karke vote chale gaye. Government ka mandate hai, jo is pe deliver karti hai local government, उसकी उसको बेहतर आगे प्रमोशन उसकी होती है. जो नहीं डिलीवर करते उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. सो देयर इज एन एंटायर सिस्टम व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस रियलाइजेशन कि जब तक आप लोगों की नीड्स को एड्रेस नहीं करेंगे, उनको खुश नहीं करेंगे, उनकी जिंदगी में बेहतरी नहीं लाएंगे, तो हिस्टोरिक एक्सपीरियंस ये कहता है कि वो जो सिस्टम है, वो जो सोसाइटी है, वो स्टेबल नहीं होगी, उसमें बेहतरी नहीं आएगी. एंड सो देर आर सो मेनी थिंग्स. आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू कम्युनिकेट देम वेल, बट इन चाइना फॉर इंस्टेंस नाउ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अ होल प्रोसेस पीपल्स डेमोक्रेसी, वो इसको कह रहे हैं कि ये पूरा सिस्टम है जिसमें कई लेयर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग है. हुकूमत कई दफा हाई लेवल मीटिंग्स करके और चेक करती है, अच्छा ये जो हमने गोल रखा था क्या ये सही है, इसको बेहतर कर सकते हैं, इस पे क्या अभी तक प्रोग्रेस है, कैलकुलेट करते हैं और वो पूरे मुल्क को बताते हैं. ये नहीं है कि अंदर ही बैठ के, यू नो, फिर वो पूरे मुल्क को बताते हैं, अच्छा ये हमारा प्रोग्रेस होना चाहिए था, अभी तक ये नहीं हुआ, ये वजुहत हैं. कोविड के दौरान भी हमें लोगों को बाहर से लगता है कि चाइना में बस लोग चुप करके बैठे होते हैं. नहीं, हुकूमत को जैसे केसेस रिपोर्ट होते थे, जर्नलिस्ट, इसके बारे में आपने क्या किया, इस पे क्या प्रोग्रेस है, खाने की, अगर एक फूड मार्केट में एक दफा केसेस आए थे बीजिंग में, तो उस पे खाने पे क्या करेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी फूड की, उसके बारे में क्या किया, स्पेसिफिक डिटेल्स. सो इन दैट सेंस, मतलब इट रियली इज अ सोसाइटी दैट इज फोकस्ड ऑन, आई वुड से, प्रॉब्लम सॉल्विंग. व्हाट वी हैव उसके अंदर रहते हुए हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करें, अपनी हिस्ट्री पढ़ें ताकि फ्यूचर बेहतर हो. सो इट्स क्वाइट डिफरेंट. आई मीन, आई वुड एनकरेज एवरीवन टू कम एंड विजिट. हमें हर मुल्क जाके देखना चाहिए कि उनका क्या एक यूनिक एक्सपीरियंस है, उनकी क्या यूनिक सोचने का तरीका है. और मेरे ख्याल में चाइना में देयर इज अ लॉट दैट वी कैन लाइक थिंक अबाउट, कि अच्छा दिस इज अनदर वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड इट्स डिलीवरिंग. आई थिंक इसमें एक बड़ा अच्छी इनसाइट मिली है. आप पूछते वर यू एबल टू डिलीवर, आई थिंक दैट यू हैव मेड द एक्सीलेंट पॉइंट के जो हमें एक इंप्रेशन दिया जाता है, और टू बी ऑनेस्ट जो एक इंप्रेशन बना हुआ है फॉर व्हाटएवर रीजन, मीडिया की वजह से एजेंडी, वो ये है कि भाई चाइना में सारे रोबोट हैं. गवर्नमेंट कहती है सुबह उठो 9 बजे, वो सारे वहां पे पहुंचते हैं और शाम को आते फिर करके बैठ जाते हैं. फिर उन्हें कहते हैं खाना खा लो, तो वो खाना खा लेते हैं. और जनरली आपको बता रहा हूँ मैं, अब उसमें ये होता है जी कि कोई सुनने वाला नहीं है, इट्स अ कंप्लीट डिक्टेटरशिप, तो कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है, जो उनका दिल कर रहा है एक्सप्लॉइट करें. उस सबके दरमियान में ये जो एक, जी जी श्योर, मैं एक और ऐड करूंगी इसमें चीज कि चाइना में जो स्कॉलर्स की जो डिबेट्स होती हैं, वो मतलब देखिए स्कॉलर का काम ही है कि वो कंट्रीब्यूट करे. अगर उसको लगता है कि ये करना चाहिए, वो बात करेगा, वो उस पर लिखेगा, वो उस पर मतलब आगे प्रॉपर उसको, यू नो, दे टेक अप दैट. तो बड़ी डिफरेंट सोच है, different person, they, and the government, they engage think tanks. इस वक्त एक चाइना की एक जिस think tank में मैं हूँ, CCG, हमारे president Wang Kuiyao, वो पार्टी के member नहीं है, but he is councillor to the state council, और उस body के ज्यादातर members are not party members. They are from think tanks. They are professionals, you know. They are advising the government. तो लोगों की feedback लेना और उनके जो मतलब ओपिनियंस है उनको एंगेज करना. इसके अलावा कोई चारा, क्योंकि ये एक, मतलब ये नहीं कह सकते पिछली हुकूमत की गलती थी, अगली हुकूमत, मतलब या पिछली कहेगी अब वालों की गलती है. दे हैव टू टेक ओनरशिप. दे पीपल हु डिलीवर, हु परफॉर्म, दे आर द वंस हु आर
later, you know, taken to the higher levels. Because they have delivered on their levels. Pe kiya hai. Yeah. So they are professional politicians, if you could say. So this is a complex system. Hai. Hmm. Yeah. मैं सेकंडली आपके उसी पॉइंट पे आ रहा था कि अकाउंटेबिलिटी का जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है जिसमें ऑब्वियसली रिवॉर्ड भी है जो बंदा परफॉर्म कर रहा है बट एट द सेम टाइम जो डिलीवर नहीं कर रहे और उनकी अकाउंटेबिलिटी है उनसे क्वेश्चनिंग होती है एटलीस्ट कोई पूछने वाला तो है भाई आपने 2 साल पहले ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था कहाँ पहुंचा हमारे यहाँ तो आपको जो आजकल नया ट्रेंड तो नहीं पुराना ट्रेंड ही है शुरू कोई करता है प्रोजेक्ट खत्म कोई करता है फिर दोनों बैठ के लड़ते रहते हैं कि हमने शुरू किया था हमने किसने किया और एंड पे जो फिर तीसरा बंदा आता है वो आके वो दोनों प्रोजेक्ट खत्म करके अपना शुरू कर देता है और वो फिर खत्म हो जाता है तो ये जो अब सस्टेनेबिलिटी हमाद ने एक और चीज ऐड करूंगी कि चाइनीज लोगों से कभी पूछो ना कि उस बारे में क्या ख्याल है इस प्रोजेक्ट या इस जो एक फेज था कितने 80% गुड 20% बैड 70% गुड 30% बैड नहीं आम लोगों की मैं बात कर रही हूँ जिनको मतलब यू नो कोई फिलोसफर्स नहीं है आम लोग ये इस तरह बात करते हैं वो कोई भी चीज 100% गुड नहीं होती अभी वाइट पेपर मतलब हिस्टोरिक अभी वाइट पेपर ऑन डेमोक्रेसी था बट द हिस्टोरिक रेजोल्यूशन जो प्रेसिडेंट शी ने इनकी हुकूमत ने पास किया उसमें उन्होंने पूरा रिव्यू किया अपनी हिस्ट्री का पार्टी की हिस्ट्री का 100 सालों की हिस्ट्री का जो ऐसे फेजेस थे जिनमें मतलब कुछ चैलेंजेस थे या दे डिडंट गो एज प्लान्ड और उसमें लोगों की मतलब दे हैव बीन फेजेस इन विद इन सम डिसीजंस डिडंट वर्क द वे दे वांटेड टू तो उसमें उसको असेस करना और आप जब तक अपनी हिस्ट्री को सही तरह नहीं समझेंगे तब तक आप कैसे लेसन्स कैसे लर्न करेंगे तो दिस इज समथिंग के ये जो सब्जेक्टिविटी है ना माई पॉइंट इज दैट दिस सब्जेक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं कुछ साल पहले जब आई वॉज विजिटिंग ग्वादर तो वहां पे एक चाइनीज लड़की शी वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड शी वॉज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वो कह रही थी उसको उसको ये समझ ही नहीं आ रही चीज वो कह रही थी कि हम जब कुछ करते हैं ना तो मतलब 10 चीजें अच्छी हो रही हैं 2 नहीं हो रही तो वो लोग कहते हैं हम खत्म करें कहते हैं चाइना में तो हमें पता था जो 40 years ऑफ रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप अभी भी ऐसे इलाके हैं जो उस ओपनिंग अप में जो पीछे रह गए जिनको शायद पोल्यूशन वगैरह नुकसान हुए लेकिन ओवरऑल हमने कहा कि ये मुल्क ओवरऑल बेहतर हुआ है और अब हम जो जो चीजें पीछे रह गई हैं उनको टाइमली तरीके से लेट्स एड्रेस देम लेट्स ट्राई टू एड्रेस देम तो ये जो सब्जेक्टिविटी आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर एनी कंट्री टू डेवलप हम कोई भी ऐसा रास्ता आगे को या बेहतरी की तरफ नहीं है जो 100% अच्छा होगा आपने कहना है कि इज इट रिलेटिवली बेटर एंड यस लेट्स एंगेज पीपल दैट आर कंसर्न्ड दैट आर इन्वॉल्वड उनको ये फील होना चाहिए कि हुकूमत उनका ख्याल रख रही है यहाँ पे अगर हुकूमत कहती है चाइना की ये हाई स्पीड रेल बननी है वो बनेगी जिनके घर लोगों को पता है अच्छा ठीक है हमें कॉम्पनसेट किया जाएगा अगर किसी को अपनी तनख्वाह नहीं मिली हुकूमत उनको कॉम्पनसेट करेगी नो दिस काइंड ऑफ थिंग सो गुड गवर्नेंस इन द एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा इसमें क्योंकि आप खुद भी मीडिया से रही हैं ताल्लुक वगैरह आपका अभी भी आप रिप्रेजेंट वगैरह करते हो सो जनरली अब चाइना ने ओवर द ईयर्स हम भी देखते हैं बहुत ज्यादा कोशिश की है कि ये सारी चीजें बाहर दुनिया तक पहुंचाई जाएं और अब कल्चर है वो लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं बट हाउ डू यू सी कि अभी जो ये पूरा जो इनकी प्रोसेस है इनके सिस्टम है रियल चाइना इफ आई एम गोइंग टू से यूज द वर्ड उसको कम्युनिकेट कितना कर पाए हैं किस तरह कर रहे हैं और किस तरह करना चाहते हैं मुझे लगता है वक्त लगेगा अभी भी बेहतरी की बहुत गुंजाइश है मैं यहाँ पे अमूमन लोगों से मिलती हूँ जो मतलब चाइनीज हैं या फॉरेनर्स हैं पीपल हैव डिफरेंट व्यूज के जो जिस तरह कई दफा कम्युनिकेशन की जाती है उसको कैसे हम ज्यादा अच्छी तरह मतलब हाउ टू टेल चाइना स्टोरी इन अ बेटर वे सो जस्ट वन ऑफ द थिंग्स दैट आई पर्सनली वाज अ पार्ट ऑफ वाज द ग्लोबल यंग लीडर्स डायलॉग व्हिच इज हाउ आई गॉट इन कॉन्टैक्ट विद सीसीजी दिस समर इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि फॉरेनर्स पूरे मतलब वेरी डाइवर्स ग्रुप ऑफ फॉरेनर्स एंड सम चाइनीज टू मतलब इक्वली रिप्रेजेंटेड सॉर्ट ऑफ अ थिंग हमें लेके गए एक सूबे में 6 trips किए थे लेके गए दिखाया I saw things and I learned things about China that I don't, even though my work is all about storytelling and understanding. So, baakiyon ke liye kitna wo insightful hoga. So, to get us in touch with that and then see, okay, let's invest in people to learn better. Aap jo dekho, you make your conclusions. You know, you see. Koi hume nahi bataya ki iska ye matlab hai. Dekhe, logon se baat kare, understand it and then see how. So, I think that has helped me understand China in a better way.
एंड दिस इज वन काइंड ऑफ इनिशिएटिव. फिर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट से करते हैं तो उसमें भी यू नो हाउ टू डू देम, हाउ टू डू इट इन अ वे कि अट्रैक्टिव हो. कुछ ममालिक ऑटोमेटिकली चाइना की हिस्ट्री से बहुत मतलब अट्रैक्ट होते हैं. इटली इज एन एग्जाम्पल. इटालियंस को शौक है चाइना के बारे में समझने का. तो देर आर केसेज वे यू सी के देर इज अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन द कल्चर, द हिस्ट्री. And for China, because for a vast majority of the time, they hadn't engaged in that way. They were really focused on the domestic development. That is storytelling will take time. Lekin there has been immense progress. Abhi bahut saare aise channels khole hain cultural cheezein dikhane ke liye, history dikhane ke liye. English pe main pichle saare chhe saalon mein huge progress. But it will take time. Aur ek aur cheez fact ye hai ki matlab main kyunki I'm active on some social media, main dekhti hu ki log वो एक ही बंदे का काम ही है कि वो ये लिखे चाइना बैड, चाइना बैड, चाइना बैड. मतलब यू नो, मतलब ये तो होता है, ये तो हर जगह होता है, हर पैमाने पे होता है. तो वो इनके बारे में भी हो रहा है एक ऐसा थ्रेड बनाया जा रहा है. और चाइना तो कहते हैं आइडियोलॉजी, मतलब उनका अपना सक्सेस ही इस बेस पे है कि हर वक्त अपने आप को वो मतलब इम्प्रूविंग, चेंजिंग बेस्ड ऑन व्हाट दे थिंक दे कैन अचीव. यू नो, इट्स बिन ओपन. जो डंग शाओपिंग के रिफॉर्म थे, क्या उसमें नहीं थे उस वक्त हुकूमत में लोग जो कहते थे कि ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? लेकिन यू नो दे अडैप्टेड. और फिर वो उसमें वाकई सक्सेस भी देखी, कुछ चैलेंजेस भी देखे. तो ये भी जो एक है ना, मुझे लगता है कि मेरा जो अपना एक व्यू है कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं काफी अरसे से जिसमें है कि है जो एक ग्लोबल सुपर पावर होती है और वो उसके इर्द गिर्द बाकी यू नो मतलब रिवॉल्व करते हैं. चाइना ये लोग ये भी नहीं कहते, आम चाइनीज से पूछे वो नहीं कहते हमें यूएस से बेहतर होना है, कहते हमें बेहतर होना है, दैट्स इट. वो क्यों मतलब इस तरह का ये पर्पस नहीं है कि हमें उनसे कम्पीट करना है. यू नो, लोग बस कह रहे हैं नहीं, हमने और बेहतर होना है, हमारे ये गोल्स हैं, हमने ये चैलेंजेस, अभी इतनी गुर्बत है उसको खत्म करना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता. यू नो, सो द पर्सपेक्टिव इज क्वाइट डिफरेंट. आई थिंक द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड इज मल्टीलैटरलिज्म. अब ग्लोबल साउथ, हमने वो जमाना भी देखा जिसमें स्लेवरी थी, वो फिर खत्म हुई ना. आप जब इतना तशद्दुद करेंगे, किसी को इतना मतलब पीसेंगे, तो वो उठ पड़ेगा एक पॉइंट पे. कॉलोनियलिज्म कुछ डेकेड्स पहले तक भी मतलब अपार्टहाइड, अब ये चीजें कम से कम बुरी समझी जाती हैं. तो जब हमें एक वक्त आएगा कि हम बात करेंगे कि ये भी जो मतलब हेजेमनी थी ये गलत थी, ये बहुत 75% है दुनिया की जिसके नहीं इस वक्त नीड्स मीट हो रही. तो आहिस्ता आहिस्ता हर एक को अपने बारे में सोचना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज समथिंग कि चाइना और भी मिसालें हैं कि वो अपने सर्कमस्टांसेस को देख के कदम मतलब एक कदम के बाद दूसरा कदम लेके बस बेहतरी की तरफ जाएं और इस पे फोकस करें. आई थिंक देयर आर लॉट टू डिस्कस बट आई अंडरस्टैंड कि आज हमारा टाइम भी लिमिटेड है. तो बिफोर आई रैप अप, लास्टली जो है मतलब मेरा लास्ट क्वेश्चन यही होगा कि पाकिस्तान चाइना ऑब्वियसली हम देख रहे हैं कि वो जो हमारी महावरे हैं कि पहाड़ों से ऊंची, हिमालय से ऊंची और बहरा अरब से गहरी जो हमारी दोस्ती है, विच इज एक्चुअली ट्रू एज वेल. तो उसको आप इन अ ब्रीफली अगर आप कहोगे पाकिस्तान चाइना के फॉरेन रिलेशन, स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट और जो बाकी इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे वैसे ताल्लुक है हमारा, बाकी सारी चीजों पर कई प्रेशर पड़ते रहते हैं हमें, सो हाउ डू यू सी this friendship progressing in a brief manner? मैं ये कहूंगी कि हम there are particular reasons के China Pakistan में एक trust friendship develop हुई, you know, and it's true के consistently जो अभी भी Chinese लोग, मैं जब बताती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो they melt, you know, बात ये iron brother, मतलब this is in their hearts. लेकिन एक और भी हकीकत है कि 2000 जब चाइना 2001 चाइना ने WTO ज्वाइन किया, देन यू नो दैट वाज अनदर स्टोरी. पाकिस्तान 2001 9/11 के बाद यहाँ जंग हुई, हमारे हालात एक और डायरेक्शन में चले गए. बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने चाइना की 2001 से आज तक की डेवलपमेंट में स्टेक लिया. बहुत ज्यादा कल्चर्स हैं जो चाइना में बहुत वेल रिप्रेजेंटेड हैं, जो जिनकी प्रोडक्ट्स यहाँ बिक रही है, मतलब एक्सचेंज बहुत बड़े लेवल पे है. right. पाकिस्तान में 2015 के बाद जिस तरह स्कॉलरशिप्स का, स्टूडेंट्स का सिस्टम शुरू हुआ, सीपेक की वजह से एकेडमिक एक्सचेंजेस, एक सीपेक मीडिया फोरम भी है, हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं. लेकिन द फैक्ट इज कि अभी भी देयर इज अ लॉट टू कैच अप ऑन, कि हमारी जो कल्चरल प्रेजेंस है
जो इंटरेस्ट है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, उसको मेंटेन करें और मजीद इम्प्रूव करें. तो देर आर डोमेस्टिक रियालिटीज जिसकी वजह से उस लेवल पे इकोनॉमिक रिलेशंस और कल्चरल जो एक फीलिंग तो है. लेकिन एक और चीज है कि चाइनीज को पता हो पाकिस्तान, वो 10 चीजों के नाम दे पाकिस्तान के बारे में, उसको पता हो पाकिस्तान का, वो प्लान बना रहा हो कि मैं कब ट्रिप लूंगा, कब जाऊंगा पाकिस्तान. तो वो चीज सीपैक की वजह से दोबारा आ रही है. मैं बहुत अमूमन मैं लोगों को मिलती हूँ तो कहते हैं हाँ माय ब्रदर सर्व्ड इन पाकिस्तान इन अ प्रोजेक्ट दैट वर देयर फॉर फ्यू इयर्स, या कोई एकेडमिक एक्सचेंजेस के लिए क्या 2018-19 में बहुत हुआ. तो मुझे लगता है कि सीपैक भी मतलब जैसे एक होलिस्टिक प्रोजेक्ट है, इसका मतलब सिर्फ पोर्ट पाइपलाइन और ये चीजें नहीं है, एक ओवरऑल एंगेजमेंट. और क्योंकि चाइना का ये है कि फ्रेंडशिप जो है ना, मतलब दोस्ती होना, ये बहुत अच्छी चीज है. उससे फिर आपको इंटरेस्ट है, दोस्ती है, दूसरे को समझते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. तो जो इकोनॉमी ये सब कुछ उसका हिस्सा है, तो उसमें आई थिंक ये बिल्कुल बहुत बहुत पॉजिटिव फीलिंग है पाकिस्तान के बारे में. और अभी हमने इम्प्रूवमेंट देखी और मजीद इंशाल्लाह वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. तो उस पे कोशिश करते हैं कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स और पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़े मजीद. नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि जनरल पॉजिटिविटी है, जनरल पॉजिटिव सेंटीमेंट है चाइना को लेके. आम आदमी पर बात करें तो सच कोई नेगेटिव बात नहीं आपकी. और इसका एक ये भी होता है कि कई दफा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुए हैं जहां पे चाइनीज प्रेशियस चाइनीज लाइफ्स वर लॉस्ट इन पाकिस्तान, बट दोनों मुल्कों ने मिलकर आगे चलने पर फोकस किया और कोशिश की कि ऐसे वाकया दोबारा ना हो. बट दे हैव प्लान कि हम अपना जो डैम बन रहा है, जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वो चलते रहें. वरना जनरली आपने देखा है कि यहाँ पे क्रिकेट टीम्स आके वापस चली जाती हैं जस्ट बिकॉज यू नो दे हैव अ पोटेंशियल थ्रेट. सो इन दैट रिगार्ड डेफिनेटली आयरन ब्रदर, बट स्टिल अ लॉट टू डिस्कस, बट थैंक यू फॉर जॉइनिंग. हमाद, वन लास्ट थिंग आई लाइक, वन लास्ट थिंग आई लाइक. आपको याद है जब कराची कॉन्सुलेट में अटैक हुआ था, तो तब नो चाइनीज लाइफ वॉज लॉस्ट. एकदम से ये खबर आई, शॉकिंग होती है जो भी है, मतलब एक मुल्क की कॉन्सुलेट उस पे इस तरह का अटैक होना. तब मतलब आई ऑल्सो वेंट ऑन अ फ्यू प्रोग्राम्स टू टॉक अबाउट इट. जो चाइना में जो न्यूज थी ना, वो जो दो लोग थे जो हमारे जो दो गार्ड्स थे जो हु लॉस्ट देयर लाइव्स, दैट्स ऑल पीपल सेइंग थैंक यू पाकिस्तान. अभी क्रिकेट जो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, कमेंट्स पे कमेंट्स, वो चाइनीज में कमेंटेटर पाकिस्तान पाकिस्तान करा, नीचे कमेंट्स पाकिस्तान पाकिस्तान. मतलब ये जो फीलिंग है ना, दिस इज समथिंग आप क्रिएट नहीं कर सकते. It's there. उसको मजीद बढ़ाना है. मतलब we are lucky कि ये sentiment है, and बहुत है lucky, right? तो इसमें बहुत काम करने की जरूरत है. Businesses करें, मतलब अपने आप को दुनिया को मतलब एक्सप्लोर करें. तो उसमें पाकिस्तान भी है चाइनीज के लिए और चाइना भी है पाकिस्तान के लिए. और एक और चीज की, जब मैं YouTube करती हूँ ना पाकिस्तानी डांसेस, आप खुद करना, क्योंकि अभी इवेंट हो रहा था उसके लिए माय प्रोफेसर वांटेड द चाइनीज स्टूडेंट्स टू डांस व्हिच दे डिड टू पाकिस्तानी सॉन्ग्स. मैंने जब यूट्यूब किया ना, तो सारी वो चाइनीज यूनिवर्सिटीज के बच्चे थे जिनके वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज, मतलब दिस डिडंट एग्जिस्ट 10 इयर्स अगो. तो उनकी वजह से लोग पाकिस्तानियों को जानते हैं, कल्चर को जानते हैं, ट्रैवल भी करते हैं. तो आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह मतलब स्टेप बाय स्टेप होगा इंशाल्लाह. कल्चरल एक्सचेंज, और स्पेशली जिस तरह आप वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और स्पेशली जो लोग हम लोग यहाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप हमसे बात कर रहे हो, तो आप बता रहे हो, तो इस तरह के जब ताल्लुक वास्ता कायम हुआ है, यू नो वी आर नॉट जस्ट डिपेंडेंट ऑन मीडिया, बट पीपल टू पीपल लेवल पे कनेक्शन डेवलप हो रहा है. सो दैट्स अ गुड थिंग, एंड दैट इज समथिंग व्हिच स्टिल हैज लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट इट्स ग्रोइंग, एंड दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ. बट जून, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. अभी भी काफी क्वेश्चन हमारे पास भी, एंड आई एम श्योर सुनने वालों के पास भी आएंगे. सो किसी ना किसी पॉइंट पे मैं आपको दोबारा तंग करूंगा कि आपसे मैं टाइम लूं और हम दोबारा इन चीजों को थोड़ा इन डेप्थ में करें. आज का पॉडकास्ट का प्राइमरी मकसद यही था कि वी वर नॉट हियर टू डिस्कस कि अच्छा जी फ्लां प्रोजेक्ट का इतना रेवेन्यू, इतने बिलियन, इतने. वी वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट द पीपल देयर, वी वॉन्ट टू टॉक मोर अबाउट द कंट्रीज इटसेल्फ, लोगों ने, और हम स्पेशली चाइना से क्या सीख सकते हैं. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. Thank you, Hamad, for also your initiative. I think it's very meaningful. मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, अब तो 2 साल हो गए आए हुए. तो when I see channels like yours, platforms like yours, it really, you know, it means a lot to me. It teaches me a lot. You're having important discussions, and it's an honor for me. I'm looking forward to your viewers' questions.
let's have a recap. बिल्कुल और आप पाकिस्तान जब भी अब आएंगे तो डेफिनेटली हम इन पर्सन भी रिकॉर्ड करेंगे सो नेक्स्ट एपिसोड तब तक ड्यू बट थैंक यू फॉर वॉचिंग डू लेट अस नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल पास देम टू ज़ून एंड वी विल गेट बैक टू यू इन कमेंट सेक्शन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम खुदा हाफिज़.